रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और यूपीआई जैसे विकल्पों को और आकर्षक बनाने के लिए गुरुवार को बड़ी घोषणा की है। मौद्रिक नीति समिति बैठक के बाद गवर्नर ने कहा कि अब यूपीआई पर भी यूजर्स को क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा मिलेगी। बता दें कि बैंकों की ओर से यूजर्स को पूर्व स्वीकृत राशि दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल खाते में पैसे ना होने पर भी किया जा सकेगा। इसके साथ ही गवर्नर दास ने बताया कि देश में यूपीआई के जरिए लेन देन तेजी से बढ़ रहा है। इसे लोगों के बीच और पॉपुलर बनाने और यूजर्स को ज्यादा सुविधा दिलाने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। जो यूजर्स पेटीएम, फोन पे या गूगल पे जैसे ऐप के जरिए यूपीआई भुगतान करते हैं, उन्हें अब प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन दी जाएगी। ये राशि बैंकों या वित्तीय संस्थानों की ओर से तय होगी। इस राशि का इस्तेमाल यूजर्स तब भी कर सकेंगे जब उनके खाते में पैसे नहीं होंगे। गवर्नर ने कहा कि आरबीआई की इस पहल से इनोवेशन को और बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि क्या है क्रेडिट लाइन और ये कैसे काम करेगी। तो बता दें, क्रेडिट लाइन किसी यूजर्स के लिए बैंक की ओर से तय की गई वह लिमिट है जिस राशि को यूजर खर्च कर पाएगा। बैंक और वित्तीय संस्थान यूजर की आमदनी और कर्ज चुकाने की क्षमता का आकलन करके यह क्रेडिट लाइन तैयार करेंगे। इसी तरह से यूपीआई पर भी ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधा दी जाएगी, जहां कोई ग्राहक जरूरत पर इस राशि का इस्तेमाल करेगा और फिर ब्याज सहित इस रकम को वापस लौटा देगा। इसका मतलब साफ है कि इस सुविधा के अवज में बैंक आपसे कुछ ब्याज वसूलेंगे। साथ ही बैंक पर ग्राहक की जोखिम क्षमता का आकलन करके ही प्री अप्रूव क्रेडिट लाइन तैयार करेंगे। वहीं अगर हम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के आंकड़ों पर नजर डालें तो UPI के जरिए कुल 8.7 अरब लेन देन किए गए और सालाना आधार पर इसमें 60% की बढ़ोतरी हो रही है। बीते 12 महीने का आंकड़ा देखें तो प्रतिदिन औसतन 36 करोड़ लेन देन UPI के जरिए किए गए हैं। ये आंकड़ा फरवरी 2022 में हुए 24 करोड़ लेन देन से 50% ज्यादा है, जिसका सीधा और साफ मतलब यही है कि भारत का UPI सब पर भारी है और शायद यही वजह है कि दुनिया के कई देश UPI को अपना रहे हैं। आपकी UPI और भारत की डिजिटल ग्रोथ पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और देखते रहें जागरण बिजनेस।